बड़ी अपडेट आ रही है मिथिला यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत आजमनगर से। जी हां, दरभंगा उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले, 900 बोतल सोफिया नेपाली दारू को उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। जी हां, यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत आजमनगर के मिथिला महिला कॉलेज टीचर कॉलोनी आजमनगर से लगभग 900 लीटर नेपाली सोफिया बोतल को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है तथा एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। आपको हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं, मिथिला महिला कॉलेज टीचर कॉलोनी आजमनगर से उदय कुमार, उम्र लगभग 18 वर्ष, रहने वाला आजमनगर कोहरी टोला, पिता महेंद्र मोहतो बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट है, जो वहां पर रेकी कर रहा था, वहां देखभाल कर रहा था कि कोई आदमी आकर के इस चीज से निकाले नहीं। आपको बताते चले, पोखर जलकुंभी के अंदर में लगभग 100 पेटी सोफिया बोतल रखा हुआ था बंद कर करके और उसको सप्लाई करता था। हालांकि सवाल ये निशान उठ रहा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी थाना पे कि आखिर यूनिवर्सिटी थाना का इसमें भूमिका है कि नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत इतना बड़ा व्यापार चल रहा था तो यूनिवर्सिटी थाना कर क्या रही थी। आज गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। लगभग आपको बताते चले 3 बजे के समय में उसको सूचना मिली थी उत्पाद विभाग की टीम को कि यहाँ पर भारी मात्रा में सोफिया दारू है। आपको बताते चले, सुदेश्वर लाल एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा के नेतृत्व में 14 लोगों की टीम ने इस बड़ी सफलता को हासिल किया है। आगे देखिए, सुदेश्वर लाल एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा ने इस जो बड़ी कामयाबी मिली है उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कि आजमनगर शिक्षक कॉलोनी महिला महाविद्यालय के पास में पोखर है, पोखर टाइप का है, जलकुंभी भरा हुआ है, उसमें माल छुपा कर रखे हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टीम बना करके लगभग 4:15 बजे निकले, घटनास्थल पर पहुँचे। देखिए कि एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है, जो पहले से भी हमको गुप्त सूचना मिला था कि वो लड़का वहाँ पे अगोर रहा है। फिर हम लोगों ने उस लड़के को जैसे ही देखा भागने लगा, रगेत करके पकड़े हैं उसको, गिरफ्तार हुआ है और लगभग 100 पेटी माल जलकुंभी से हम लोग निकाले हैं और अभी लाए हैं। कौन सा ब्रांड है सर ये? ये सब नेपाली शराब है। नेपाली? देसी या विदेशी? देसी, नेपाली देसी शराब है। लगभग कितना लीटर शराब होगा? लगभग 900 लीटर। जो पकड़ाया, जो आरोपी, कितने लोग पकड़ाए हैं? एक लोग पकड़ाए हैं, एक जन पकड़ाए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जो रहने वाला भी आजमनगर का ही है। तो क्या इसका क्या इतिहास रहा शराब? अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी तुरंत लाए ही हैं और लगभग हम अभी आते हैं, हम लोग तो उससे पूछताछ करेंगे कौन है इसका मुख्य सरगना, उसके खिलाफ भी चार्जशीट देंगे। क्या कार्रवाई आगे जो होगी की जाएगा? जेल जाएगा और मुख्य सरगना जो होगा उसका भी नाम हम लोग पता लगा रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा उसको हम लोग चार्जशीट में नाम। काफ़ी भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है, कितने लोगों की टीम के साथ ये कार्रवाई की गई? अभी हम लोग लगभग 12-14 आदमी, हम लोग 2 इंस्पेक्टर हैं और सब इंस्पेक्टर थे, उत्पाद सिपाही थे और जमादार थे, इन लोगों के साथ में हम लोग, होमगार्ड है हमारा और ये गृह रक्षा वाहिनी भी है, सब लोग के साथ में मिलकर के हम लोग गए थे वहाँ। किस थाना क्षेत्र से पकड़ा गया ये? विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र। सर, जो धराया है वो लड़का रेकी कर रहा था कि क्या कर रहा था? नहीं, वहाँ पे उसको पैसा दे करके, जैसा कि हमको अभी तक जो सूचना मिला है कि वो लड़का वहाँ पे अगोरता था, क्योंकि भोर में, आज भोर में माल उतारा है और उसको फिर रात में हटाना था, तो वो वहाँ पर बैठ करके देखते रहता है कि कोई उसमें घुस करके निकाले उकाले नहीं। एक ही आदमी की गिरफ्तारी? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। ईश्वरलाल, एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। सर, माफी, आगे से पकड़े हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कब लाया गया पकड़ के आपको? आज ही के दिन। किस जगह से? माफिया स्टेशन कौन है? भारी मात्रा में शराब कारोबार करने का जो है आप वहाँ पे थे। गलत इल्जाम लगा रहा है, मेरा दोस्त जो ले गया उसी को छोड़ दिया, मेरे को पकड़ लिया, उससे तो पूछा जाए कि कला ले गया तुम इसको। कहाँ के रहने वाले हो? हमारे घर आजमनगर। थाना कौन सा? यूनिवर्सिटी। तो आप वहाँ पे कर क्या रहे थे? हमको ले गया घुमाने को, चल सिगरेट पिलाते हैं, वहां से ले गया उधर, मुझे फंस आते दिया, आपने भाग गया, उसको छोड़ दिए सर, बहुत अच्छा से। अब ले गया दो, जो ले गया उसको तो पूछना चाहिए था कला स्कूल आया।
तो और कौन लोग है किन्हीं को आप जानते हैं जो इस कारोबार में लगे हुए? ना हमारे दोस्त खाली लेके गया। आप कैसे कह सकते हैं कि फंसाया गया आपको? तो फंसा गया ऐसा कि दोस्त गाड़ी लेके आया, आपको कहा चल उधर घूमते हैं, तो माफिया में कहा चल सिगरेट पिएंगे, उसको छोड़ दिया, आपको पकड़ लिया। कौन है आपका माफिया? कौन है कौन माफिया लोग? माफिया डॉन में माफिया वहाँ जहाँ पर हमसे बैठते हैं वहाँ पर माफिया कहा जाता है। तो जो लोग इस धंधे में होंगे आप उनको जानते होंगे ना? किसी को नहीं जानते, हमको अपने ने पता क्या है, हमको खाली सीधा कहा चल माफिया माने वहाँ पर जगह पर बैठते हैं घूमेंगे फिल्डा टाइप पे, हमको उस सबको छोड़ दिया, हमको पकड़ लिया, लत पूरा इल्जाम लगा रहे हमें ऊपर।